अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। आइए जन सुनवाई में, हमारी ये मतलब ये प्रॉब्लम है जो 21 से 23 साल की लेडीज हैं उनके ही फॉर्म भरे जा रहे हैं और जिनके ट्रैक्टर है उनके फॉर्म भर रहे हैं। जो हमारे ट्रैक्टर नहीं है हमारे पास और हमारी उम्र ज्यादा है 23 से 60 साल की, उनके फॉर्म नहीं आ रहे भराए। तो हमारा कहने का मतलब ये है सिब्रत मामा से, जिनके 21 से 23 साल की उम्र है और जिनके ट्रैक्टर है उनसे ही वोट लेंगे कि सिब्रत मामा? हम लोगों से वोट नहीं लेंगे क्या? अगर हमारे फॉर्म नहीं भरे तो हम सिब्रत मामा को वोट नहीं देंगे। तो आप फॉर्म भरने गए थे वहाँ पे? हम फॉर्म भरने गए थे, हमको मना कर दिया। क्या बोला गया? ये बोला कि आपकी उम्र ज्यादा, आपके पास ट्रैक्टर नहीं है, हम आपके फॉर्म नहीं भरेंगे। कितनी उम्र का बताया था? 21 से 23 साल की उम्र का बता रहे हैं। और अभी कितनी उम्र के लोग गए थे वहाँ? और हम गए थे, कोई की 30 है, कोई की 35 है, कोई की 27 उम्र है, कोई की 55 साल है, मतलब 60 के अंदर ही अंदर गए थे। तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारी आगे से योजना यही आई है 21 से 23 साल का, 23 साल से 60 उम्र वाली है उनके फार्म भी भराए जाएंगे और जिनके ट्रैक्टर है उनके भी फार्म, जिनके ट्रैक्टर है उनके फार्म भरे जाएंगे, जिनका ट्रैक्टर नहीं उनका फार्म नहीं आएगा। तो भैया कि हम ट्रैक्टर खरीद, वो बोलते जाओ ट्रैक्टर लेके आओ पहले जब फार्म भरो, अब 1000 रुपए के लिए अगर ट्रैक्टर खरीदना पड़ेगा हमको जब हमारे फार्म भरेंगे वो। अच्छा, अभी आपने अंदर आवेदन दिया क्या? कुछ बोला? आवेदन दिया उनने, बस रख लिया कि अगले मंगलवार को आना। ये तो कोई जन सुनवाई नहीं होती है, उनको देना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, तब तो चुनाव आ जाएंगे। फिर हमारा सब लोगों के दो दो किस्त आ गई, 2000 रुपए आ गए, फिर हमारा कब होगा? हमारे पैसे कब आएंगे? या तो योजना, या तो योजना बंद करिए, पैसे दो तो सबको दो। अभी कुछ भी नहीं बोला गया, ये बोला गया आपका आवेदन दे दीजिए, अब अगले मंगलवार को आना, हम उसका जवाब दे देंगे। हम यही, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम किराए से रहते हैं, हम के बार बार यही करते रहेंगे क्या? वो स्कूल भी नहीं गए बच्चे हमारे आज। आपका परिचय? मेरा नाम रेनू है, मैं देवास से, देवास मतलब अमुना में रहती हूँ। मुझे देख, क्या बुरा मामला है आपका? हम रोड के पानी के विषय में गए थे, एसडीएम साहब को हम आवेदन दिया, पिछली बार कई 8 बार हमने करीब आवेदन दे चुके हैं, उसमें कोई समस्या का समाधान मिला नहीं। क्या समस्या और कहाँ की समस्या आपकी? बड़ी चुल्ला है। क्या समस्या आ रही है? पानी भरा हुआ खेतों में, रोड ऊँचा होने के कारण वो पुलियों का निर्माण नहीं हो रहा है। कब से आ रही है आपको ये समस्या? ये सर हो गया करीब 2 महीना हो गया, ये फसल हमने बोनी करी थी सोयाबीन की जब से जून से। कितने किसान पीड़ित हो रहे हैं इससे? इससे सर 5 किसान है सर, जमीन सर कम से कम 30 बीघा। और क्या फसल थी जो नष्ट हो गई आपकी? सोयाबीन थी। कितना नुकसान हुआ होगा लगभग? सर कम से कम 15 बीघा का नुकसान है। आपने किसकी जो शिकायत की अभी तक? सर लोक निर्माण विभाग में गए थे हम, उसके बाद तहसीलदार मैडम के वहाँ भी गए, कलेक्टर ऑफिस में भी आए, विधायक महोदय के वहाँ भी गए। क्या आश्वासन मिला? विधायक महोदय ने बोला है कि बोले आपका ग्रामीण होगा तो आपको मामला है तो आप बैठ के सुलझाओ, उन्होंने भी नहीं सुनी। मतलब तो यहाँ पे क्या, किसको आवेदन दिया आपने? अभी एसडीएम साहब को दिया, इन्होंने कल का बोला है। अच्छा, अभी शिकायत की निवारण नहीं होता तो क्या आगे क्या रूपरेखा रहेगी? क्या हुआ? आगे क्या करोगे अभी शिकायत नहीं? आगे भी भोपाल जाएंगे, भोपाल जाएंगे सर, सीएम साहब के पास जाएंगे, वो भी मना कर देंगे तो फिर कहीं गोली वोली खा के सो जाएंगे। अच्छा, आपके क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि से चर्चा हुई थी क्या? क्या हुआ? आपके जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है उनसे हुई थी क्या चर्चा? उनका क्या कहना है? पंचायत में सरपंच, क्षेत्रीय जो भी जनप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि जो ना क्या बोल रहा है, ठीक है, अभी हाथ खड़े कर दिया सर, मिला के ठीक है। आपका परिचय? वासुदेव पाटीदार, ग्राम बड़ी चुल्ला है। कलेक्टर साहब से मैंने पूर्व में एसपी साहब को आवेदन दिया है, उसमें हरिजन थाना के लिए बताया गया था, हरिजन थाना में 5 दिन हो गए मेरा आवेदन पहुँचे, ना तो रिपोर्ट की कोई कॉपी की गई है और ना ही कोई मेरी सुनवाई की गई। क्या कुछ मामला था? फरियादी खुलेआम घूम रहे हैं, मेरे साथ 24 तारीख को मारपीट हुई थी। कहाँ पे? वो टाइम में आदिम जाति कल्याण विभाग में मारपीट हुई थी, उस समय रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज करवाई थी, उसके बाद हरिजन थाना भिजवाया, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज दिनांक तक ऐसे ही भटक रहा हूँ, आज मैंने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है। क्या कुछ बोले कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है
अभी तो वर्तमान में। ठीक, आपका परिचय? मेरा परिचय गोल्डन सिरोही है। आप कौन से विभाग में अभी कार्यरत? आदिम जाति कल्याण। ठीक, हम देवास लक्ष्मीपुरा से आए हैं और हम अगली सिरू चक्कर फॉर्म भराए थे, तो हम भरने गए थे तो उनने बोला कि खाता खुलवाओ और सब कंप्लीट करो कागज और खाता खुलवा के और हमारे को जमा करो। तो हम गए और उनने मना कर दिया। फिर बाद में गए और बोला कि अगली बार भरेंगे, तो फिर बाद में गए और उनने मना कर दिया, क्योंकि 21 साल की उम्र वाले को और 23 साल तक के को भरेंगे और जिसके पास ट्रैक्टर होंगे उसी के भरे जाएंगे। तो हम 1,000 रुपये के लिए हम ट्रैक्टर कहाँ से वो करें, और ट्रैक्टर होता तो 1,000 रुपये के लिए हम कहाँ भटकते। लक्ष्मीपुरा में पड़ता है पर बाड। अभी आप यहाँ पे कलेक्टर साहब से मिले, क्या कुछ चर्चा हुई, आपने यहाँ पे क्या बोला? हमने आदेश दे दिया, उन्होंने बोला अगले मंगलवार को आना। आपका नाम? बबीता पांचाल।